अब ये वहां पे आप गए हैं इनसे मिलने के लिए, ऑन द ग्राउंड आपने इनको कार्ड दिया है, yes, आपने इनको इनवाइट किया है अपने यहाँ पे, और ये आए हैं अभी कंसल्टेशन वीक में, है ना, फ्री कंसल्टेशन लेने 30 मिनट्स, ठीक है। तो मैं 30 मिनट इनसे क्या बात करूंगा, कैसे इनके बिजनेस को समझूंगा, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। तो पहले ये आए, मैंने इनको वेलकम किया, चाय पानी ऑफर किया, और मैं एक मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है सर, बताइए क्या नाम है आपके बिजनेस का? स्टार कैफे। स्टार कैफे, और लोकेशन क्या है? अक्कलकोट स्टेशन। कितने टाइम से है सर? 4 मंथ। मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कितना लगा? टोटल सर कैपिटल बोल रहा हूँ, मतलब शुरू करने से पहले कितना पैसा लगाया? 10 लाख। तो इसमें आपका फ्रेंचाइजी, फिर आपका जगह का, फिर आपका फर्नीचर और सब, ये सब बेसिक आ गया। 15। तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कितनी हुई है? 15 लाख, बराबर है, ठीक है। अब मेरे को सर आप बताइए आपका वर्किंग कैपिटल कैसा है, यानी रोजमर्रा जो आपका जो काम होता है ना, उसमें कितना आपका महीने का खर्चा होता है मोटा मोटा अंदाजे से? महीने का खर्चा एक टोटल ओवरऑल, मतलब रेंट सब लेट सब सब, वर्किंग कैपिटल भी आपका, उसमें आपका लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, मटेरियल जो रोज लगता है वो आ गया, लाइट बिल आ गया आपका, रेंट आ गया, उसमें कितना? 4 लाख 3 हजार महीने का। महीने 3.5-4, ठीक है। और कितने महीने से आपने बोला? 4 महीने से, तो करीब करीब 15 लाख इसका हुआ होगा अंदाजे से, ठीक है। तो ये 15 और ये 15 कितना हुआ? 30 लाख हो गया, बराबर है, ठीक है। अब मुझे सर ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सर लेबर प्रॉब्लम। लेबर का प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सर लेबर का? मतलब सर्विस सही नहीं मिल रही है कस्टमर, लेबर कस्टमर को सही सर्विस नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? लेबर कैसा है, बहुत नाटक रहते हैं। जैसे? जैसे कुछ भी सर, अभी खाने के बारे में कुछ रहना है, उधर रहने का इंतजाम हमारे पास है, तो उसके लिए नहीं, ये देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको, ये लेबर और आपके बीच की बात होगी, मैं समझना चाहता हूँ लेबर और कस्टमर के बीच की बात। हाँ, लेबर चले जाते हैं अगर हम सर्विस नहीं दें। हाँ, तो आप दूसरे लेबर जो आते हैं, दूसरे जो लेबर आते हैं, हाँ, तो वहाँ पे अक्कलकोट में कैसा है वहाँ पे? ना ना ना, एक मिनट, मैं फिर से अपने पॉइंट को रीस्टेट करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका लेबर कस्टमर को सही सर्विस नहीं दे रहा? सर अभी जो स्टार कैफे जो प्राइवेट थे वो सही लेबर, ओके, और एक तो बीमार हो गए थे, ऐसा क्यों? वो सही लेबर क्यों थे? एक्सपीरियंस थे, तो शायद उसके बाद में जो है इनका एक्सपीरियंस कम है, कम था, ट्रेन नहीं थी अभी मेरे ख्याल से हम लोग बात कर रहे हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करते हैं, हम जाएंगे बात, तो पहले जो था वो एक्सपीरियंस स्किल्ड थी, यस, है ना, तो ये चीजें लेबर के माइनस पॉइंट्स जो कस्टमर सर्विस पे इम्पैक्ट करते हैं। हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे कि आपका और लेबर का क्या है, उसपे भी आएंगे, उसपे भी एक एक करके आऊंगा, लेकिन अभी मैं कस्टमर और लेबर के बीच का इंटरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस कम होने की वजह से कस्टमर सर्विस खराब होती है, ठीक है। ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग देते हैं लेबर को? हाँ देते हैं, डेली डेली, मतलब ये काम करना चाहिए, मतलब सुबह के क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देते हैं सर, वो इंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन में लगता है डिफरेंस होता है, है ना, तो ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं देते, लगता है देना चाहिए, दोगे तो बेहतर होगा थोड़ा रिजल्ट, ठीक है। तो इससे आपको लगता है आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा होगा? yes. अगर लेबर ट्रेन होंगे तो? yes. ठीक है, कुछ सोचा है कि कैसे देंगे लेबर को? क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचना चाहिए, yes. अगर कोई सपोर्ट करे इसमें, आपको एक्सपर्टीज दे कि भाई लेबर को कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग कैसे देनी है, तो लेना चाहेंगे? yes. ठीक है, अभी आते हैं सर, आप जो बात कर रहे थे कि आपकी और लेबर के इंटरेक्शन के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए सर क्या प्रॉब्लम आ रही है?
सर अभी कैसे फिर फैमिली हमारी गवर्नमेंट से मिली हमारी बिजनेस में आया वो तो कुछ पहले मेरे एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट टाइम तो लेबर कैसे नाटक वगैरह करते हैं जैसे कुछ भी मतलब उनको कैसे बात करना चाहिए हम कैसा रखना चाहिए हमको भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि लेबर को कैसे मैनेज करना चाहिए अच्छा तो मेरा एक्सपीरियंस अराउंड देते तो लेबर में आपके काम के आपके बिजनेस के प्रति कन्विक्शन कैसे बिल्ड करना है तो ये सब ज्यादा करीब आगे उनको ज्यादा कॉन्टेक्ट करना चाहिए हाँ तो इसके ऊपर आपको लगता है कि गैप है इसको फिल करने से फायदा होगा हाँ गैप अच्छा तो इसके लिए ट्रेनिंग किसको देनी पड़ेगी लेबर को देनी पड़ेगी या आपको लेनी चाहिए मैं भी लूंगा लेबर को लेबर को ट्रेनिंग अपन देंगे तो कस्टमर सर्विस बेहतर होगा बेहतर और अगर लेबर की सर्विस बेहतर करनी है तो किसने ट्रेनिंग लेनी चाहिए आप उनको अच्छा ट्रीट करेंगे तो वो अच्छी सर्विस देंगे वो अच्छी सर्विस देंगे इससे कस्टमर सर्विस अच्छी होगी कस्टमर आएगा है ना तो ट्रेनिंग फिर आपको लगता है आपको लेनी चाहिए ओके और अभी ले रहे हैं कुछ ट्रेनिंग हाँ अभी सर अभी देखो फर्स्ट जनरेशन पूरा पूरा चेंज कर रहे हैं अच्छा क्या मतलब सर अभी पूरा जो मतलब लेबर एक्सपीरियंस है उनको भी ले रहे हैं तो हम क्या किए थे दो तीन दिन चले गए तो वहाँ से ले थे वो अक्कलकोट में कैसा ताल्लुक है बात करने का ढंग वहाँ के लोकल मिलते तो कैसा हो रहा एक आ रहे ऐसे बात करें तो घर में करना चाहिए मतलब होटल में अलग रहता है यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे यूनिफॉर्म दिए थे स्टार कैफे अच्छा पहन के क्या करे मतलब तो हम उसको ध्यान नहीं दिए अच्छा वो गलत किए फिर हम टोपी पहनते थे पहले मतलब बाल वो दिन चाहिए मेन आइटम वो भी हम छोड़ दिए हमको लगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है हम बताएंगे किसको मुझे लगा कि ध्यान नहीं दिया मैं बात को हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए तो मैं वो ध्यान नहीं से क्या धंधा मेरा काम छोटी छोटी बात लग रही मेरे को धंधे को इम्पैक्ट नहीं करी पर बहुत इम्पैक्ट करी जैसे जब मैं स्टार्ट हुआ था होटल शाम में सर वेटिंग रखते थे होटल में बाहर रुके अच्छा ऐसा था वाह वीडियो में दिखा दूँगा क्या ऐसा हम सफाई रखते थे आपको बोला ना फर्स्ट टाइम मेरा बिजनेस में अभी इंशाल्लाह मैं अगर सक्सेस होगा तो मैं और दो तीन टाइम करूँगा सुपर सुपर ये तो मुझे पहले ही पता पर इसमें सुपर है किधर मेरा डिस्टेंस दूर है सोलापुर में रहता हूँ मैं इधर रहने के लिए और ये है अक्कलकोट ठीक है उस पर आएंगे एक एक करके आएंगे अभी आपने बोला कि आप एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करना एक्सपीरियंस लोगों को जानकारी से हायर करेंगे ये यूनिफॉर्म के साथ हाँ। जो मैं पहले जो स्टार्ट में रखता था हाँ। वही और मास्क कंपलसरी मास्क यूज नहीं करना इससे क्या होगा ये सारे पॉइंट्स से इसमें कस्टमर सर्विस अच्छी होगी अच्छी होगी सर मतलब बात करने का ढंग रहता है हमको एक्सपीरियंस अब नए जो है अभी एक सेकेंड दो तीन वो दो बार तीन बार बोलते हैं चाल आकर मतलब वो क्या कर रहे दिन भर रहे काम नहीं कर रहे दिन भर रहे पेमेंट हमारे पास ले रहे तो ये सारे पॉइंट से लेबर और कस्टमर के बीच का ये जो गैप है ये फिल होगा yes. है ना लेबर इम्प्रूव हो तो कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होगी मेरा सवाल ये है सर कि आपका और लेबर का बॉन्डिंग कैसे होगा क्योंकि देखो एक लेवल का लेबर रहता है तो उसके कुछ अपने नखरे रहते हैं नखरे मानेंगे लेबर ही बताएंगे हाँ दाल चावल नहीं मांगते बिरयानी बिरयानी है ना बिरयानी खाने वाला आया लेबर तो उसके नखरे भी कुछ और अलग तो सर लेबर और कस्टमर की हमने बात कर ली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना बॉन्डिंग लेबर के साथ कैसे बनाते हैं कुछ सोचा आपने सर मैं रोज सोचता हूँ उससे कुछ करना चाहिए सर उनका ग्रुप रहता है उसमें से एक खराब है सबको उनकी टीम रहती है अच्छा तो अपने को तो क्या करना चाहिए सर डेली देखता हूँ क्या कुछ नया तो हाँ तो सर अपने को फोकस करना है अगर ज्यादा अपन उनको छेड़ेंगे तो फिर अपना ये नहीं नहीं उधर नहीं जाएंगे अभी वहाँ अभी वहाँ नहीं जाएंगे सर अभी सबसे पहले ये समझेंगे कि अपने को फोकस किधर करना है लेबर और हमारे इसमें बॉन्डिंग अब ये दोनों की बॉन्डिंग पे अपने किधर फोकस किया एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लेबर रहेंगे तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी हाँ तो दोनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे फोकस किया लेबर अभी ये दोनों की बात कहाँ फोकस करना चाहिए मेरे
तो अभी आपकी बात करते हैं, तो बताइए सर आपने क्या किया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले? कुछ बिजनेस ट्रेनिंग दिया आपने? नीट लगता है लेना जरूरी है बिजनेस ट्रेनिंग, लेते तो शायद आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं आती आपको। लेना चाहेंगे अगर कोई व्यक्ति आपको या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ट्रेनिंग देता है और ये सारे गैप्स को क्लियर करने का रास्ता बताता है? हाँ सर लेना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। सर मैं बी मैकेनिकल हूँ। बी मैकेनिकल? हाँ। मैं मुंबई में जॉब करता था चेंबूर में। क्या बात है, कितना साल? मैं वहाँ पे 2.5 साल था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, मेरा संग से सर पापा का एक्सीडेंट हुआ था मेरे। अच्छा। पापा भी जब सुलभ महानगरपालिका के। मम्मी भी टीचर है हमारे। कहाँ पढ़ाती है? इधर ही सुलभ में सोशल स्कूल। वाह, फैंटास्टिक। सर हम अभी कर रहे हैं, मम्मी अभी भी टीचिंग कर रहे हैं। मम्मी पापा की 10 साल सर्विस है, मम्मी की 13 साल सर्विस। वाह। भाई मेरा सिविल इंजीनियर है, वो भी MTC की टीचर। क्या समर एजुकेशन फैमिली है। तो ये लॉकडाउन में क्या हुआ सर, लॉकडाउन के पहले दिसंबर में मेरी शादी थी, तो मैं पापा एक्सीडेंट हुआ था सेप्टेम्बर। मेरा छोटा भाई सांगली वॉचन में पढ़ता था। शादीशुदा है? हाँ शादी, दिसंबर में शादी थी। बीवी को मैनेज कर लेते हैं? मेरी वाइफ को टीचर, तो मैनेज कर लेते हैं आप। बीवी मैनेज करते, लेबर क्या चीज़ है? अभी अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है, फिर लेबर की प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है, महायुद्ध हुए इसकी वजह से मालूम है ना। अच्छी बात है सर, अच्छा मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो बी मैकेनिकल किया है सर, पूरा एजुकेशन फैमिली से आता है? फैमिली से, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैं सोचता था कि बिजनेस ही करूँगा। स्टार्ट जब पढ़ाई करता था ना, बिजनेस का मेरा शौक था। पापा का एक्सीडेंट हुआ था, पापा 3 महीने बेटेज थे, तो हमारा न्यू ग्रह इधर मानकम चल रहा था आखिर चौक पे, उधर मुझे आना जरूरत पड़ा। तो फिर मैं 6 महीने की शादी भी थी, शादी करके जाना सोचा जॉब को। तो फरवरी दिसंबर में शादी, फरवरी 18 फरवरी 28 फरवरी को अपना लॉकडाउन बढ़ा, 28 फरवरी को शायद। ठीक है, ये जान के बहुत खुशी हुई सर कि आप पहली बात तो इस बात से अवेयर हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है और आप लेने की इच्छा भी रखते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच का, ये दो पॉइंट के बीच का संबंध जो है वो ज़्यादा गहरा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, फिर लेबर की कैटेगरी कोई भी रहेगी आप उनको मैनेज कर पाएंगे, 10वीं पास लेबर को भी और एक MBA ग्रेजुएट को, है ना। उसके लिए ट्रेनिंग किसको लेनी पड़ेगी? आप। तो ये हुई लेबर की बात और आपकी बात, अब आते हैं सर मेरा एक पॉइंट। हाँ बोलिए। लेबर का और मेरा है सर, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ओके, सर मैं क्या जाऊँगा ना होटल पे, हम दो पार्टनर, मतलब मैं भाई को भी ले आऊँ। अच्छा सर, मैं डेली सर सुबह में 5 बजे खुलता था। ओके, और मैं यहाँ से आता था 10-11 बजे, और शाम में वहाँ से निकलता था 6 बजे। तो उनकी जो बॉन्डिंग सही नहीं थी आपके भाई की? भाई की लेबर के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं जाऊँगा तो कभी फोन आ जाएगा, अब मेरे लिए एक लेबर तक 3 दिन में ऑफिस आया था, बॉन्डिंग अच्छी। तो मेरे पास 200 लेबर थे सर, 200 मुंबई में। ओके, तो लेबर वो भी UP के थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे को वो बॉन्डिंग समझता है कि कैसा करना कैसा रहना। पर ये कैसा है बिजनेस में, कैसा सर मुंह में शक्कर, सर में बर्फ लेके काम चल रहा है, तो ज़रा अगर गुस्सा करेंगे, ज़रा उनको ये करेंगे, बारगी करेंगे, तो आप ही के जैसा अगर हम आपके भाई को बना देंगे, तो सर या आपको हम सक्षम बना दे उतना कि आप अपने भाई को अपने जैसा बना दे, तो लगता है इन दोनों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाए। होंगे सर, तो उसकी गलती नहीं है, वैसे लेबर है ना, और वो सर डेली वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो टिफिन का भी पैसा अभी इसमें से वेस्ट था, तो नॉनवेज तब वेस्ट देंगे, तो नॉनवेज ना। समझ गया, मैं समझ गया, हाँ समझ गया। नहीं, ये रिलेशन पे डिपेंड करता है सर, अगर आपका भाई आप ही की तरह रिलेशनशिप बना के रखे है ना, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं आएंगे सर, वही कंटिन्यू हमारा बिजनेस बढ़ता चाहिए। फर्स्ट महीने था हमारा 18,000-19,000 करीब। नहीं, बिजनेस बढ़ने वाले बात का नहीं है, मेरा भाई का 30,000 तक होना चाहिए। कितना? 30,000। हाँ, ये तो स्पॉट कैसा है सर, डेली का आपका गल्ला, ये आपका गोल है बराबर है? क्या गोल है? 30,000 पर डे। 30,000, ओके डन। दोनों का मिलके टोटल मतलब ओवरऑल गल्ला है 15,000 था, 30,000 हमारा टारगेट था सर स्टार्टिंग में। क्यों सर
अभी ये भी किसी को फ्रेंचाइज देते नहीं कि लोकेशन को एक महीना मैं समझ गया मैं समझ गया। तो आपका गोल 30,000 सही है ठीक है। तो ये सारी चीजों से आपके और आपके लेबर के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। आपका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने बोला लेबर प्रॉब्लम, इस पे पहले फोकस करना है बराबर। ये जब हो जाता है आपका तो फिर आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, ये भी तो मेन है, ये रहेंगे तभी पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी लेबर को देंगे और लेबर टिकेगा बराबर। कस्टमर इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। अब मुझे बताइए सर, कस्टमर सर्विस अच्छी देने के लिए आप क्या करते हैं, या कस्टमर को कुछ ऐसा देने के लिए जैसे अगर एक बार आपसे जुड़ जाए तो हर बार आपके पास में आए। तो मैं कस्टमर को ऐसा करता हूँ सर, कोई भी कस्टमर है अब डेली जो नए नए वही कस्टमर है तो उनको ज़्यादा बात नहीं करता, जो नए कस्टमर है डेली दिन की बात करता हूँ। नए कस्टमर को पूछता हूँ क्वालिटी कैसी है, बस नाश्ता भी है उसी है सब क्वालिटी। अगर आपको अगर बैंक में अगर कहाँ काम करते नहीं है उधर से देते नहीं हम चालू करना है तरीके से बहुत बढ़िया ऐसे में प्लानिंग है हमारी भी। और भाई से बात किया था ओके, मतलब एक बाइक रखी है जितने भी बैंक है जितने भी हॉस्पिटल है हाँ, एक कम से कम अभी हम सर्विस दिए। आप कस्टमर से बात करते हैं? हाँ, कस्टमर से हर कस्टमर को बात करते हैं। बहुत बढ़िया, आता हूँ उसको हंसते खेलते कभी बच्चा लेकर आए बहुत चॉकलेट की तरफ से। अरे क्या बात है, सुपर पर अच्छा फील करवाता है। हाँ अच्छा फील, वो पता है मेरे को ऐसा कौन सा नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे उसको बराबर। मेरे सामने एक फिक्स होटल है वो अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ मैं अगर बैठू मैं पकड़ ले तुम बैठे हैं वैसा तो मुझे देखिए मेरे पास आते हैं क्यों बोले तो अब बड़ी अच्छी है मेरी राइट। अब मेरा क्या है अभी मैं उधर अटक के बैठना नहीं चाहता उधर बैठा के मतलब मैं मुझे मेरा ये सवाल है सर कस्टमर आपके पास क्यों आता है प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ क्वालिटी क्वालिटी हाँ और पीपल की अगर मैं बात करूँ तो आपके मेरे ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप गले पे बैठते हो तब आता है कि आपका रिलेशन उसके साथ में अच्छा है ना। आपका नाम बताएंगे? जहीर नाम है सर। जहीर ठीक है। सामने के जो शॉप है आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास कस्टमर जाता है? जाता है सर। क्यों आता बोलेंगे विद इन 7 सेकेंड में सामने वाले पास चले जाते हैं 7 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर क्यों बोलते तो उसका टेबल पर है सर मतलब ऐसा है बैठना नहीं पड़ता है। अच्छा उसे बैठने का नहीं है सर उससे फिर टेबल और जेता है वो लेता है सर सामने ओके। पहले हम बस अंदर आने से बैठेंगे फिर हमारे लेबर ऐसे रहेंगे क्या थोड़े एक्सपीरियंस के 10 मिनट में लाएंगे नेक्स्ट टाइम क्यों आएंगे। हाँ उस पर आएंगे सर अपन। मैं अभी कॉम्पिटिटर का जानना चाहता हूँ तो कॉम्पिटिटर आपका जो कॉम्पिटिटर है वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं ताकि क्योंकि उनको बहुत जल्दी सर्विस मिलती है। और लेकिन सर क्वालिटी कैसी है सर? क्वालिटी जीरो श्योर है आप? श्योर ये वो बंदा अगर इधर चाह लेगा तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे ये गारंटी है। अच्छा लेकिन आपके वेटर ने बुरा एक्सपीरियंस दे दिया उसको बोलिए मत जाएगा करके चाह लिया एकदम ऐसा हुआ है। और अगर टिश्यू पेपर मांग लिया तो गुस्से से देख लिया उसको एक दो बार से बसा हुआ है। एक दो बंदे ऐसे हैं तो कुछ तो लेबर करे मैं उसको डाला भी एक गलत किया हुई वो आज तक मैं बस क्वालिटी रखने के लिए सामने तो क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या मेंटेन रखना से सब कस्टमर सर्विस दे इसको कस्टमर सर्विस बोलेंगे तो सही रहेगा है ना। लेबर सर्विस मतलब अच्छी देना चाहिए प्रोडक्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्विस से सर्विस है ना। हाँ ये तो बस कुछ सोचा है कि क्या कर सकते हैं ये ठीक करने के लिए सर? अभी अच्छा मेंटेन मतलब लेबर सर्विस लेबर का तो बात हो गया सर और क्या कर सकते हैं कस्टमर को जरा अच्छा सर्विस देके अच्छा बात हो करके और उसके आगे क्या और बनाना मिलते हैं सर कस्टमर बनाना है वो एक बात और दूसरी जो रेगुलर आपके पास आ रहे हैं वो अकेला ना आते हुए 4 लोगों को और लेके आया। हाँ सर मैं उनको बोलता हूँ सर आपके दोस्तों को आने के बाद अभी इतने दोस्त एक बंदा है नया बंदा है उसके पास बिल भी लेता है बिल नहीं लेते नहीं लेता हूँ। अच्छा क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी तरफ से। अच्छा कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं सर? ये कुछ फास्ट बंदा है मेंटेन करना नहीं आता सर। नहीं जो रेगुलर आ रहे हैं सर
क्या मेंटर मतलब क्या मेंटर उसका कांटेक्ट है ना उसका कांटेक्ट ना सर कुछ भी नहीं करा अभी समझो विशाल शर्मा रोज चाय पीने के लिए आ रहा है सर नाम पता दो महीने के लिए पीछे भी जो रेगुलर कस्टमर है ना सबके नाम पता है मेरे को मैं से बात करता नाम से मैंने नाम ना पाया यही अगर कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं जैसे दो ही चीज बोल नंबर और बर्थडे और उसका जन्मदिन है उस दिन आपने उसको मैसेज करके विश किया और साथ साथ ये बोला जैसे आप लोगों को फ्री भी देते हैं फ्री देते हैं ना तो उसको ये अगर बोलते हैं कि सर आज आपके और आपके दोस्त लोगों के चाय पार्टी में खुश हो जाएंगे नहीं वो खुश होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर पहले इम्पोर्टेंट ये है मेरा सवाल देखिए पहले उसी पे वापस आता हूँ क्या वो चार लोगों को लेके आ रहा है अब जब आप ऐसा बोलेंगे उसको तो क्या वो चार लोगों को लेके आएगा आपके साथ ज्यादा लेके आए है ना बंदा उससे ये विश कर रहा है लेकर आएंगे ना एक टी स्टॉल का ओनर आज तक उसकी जिंदगी में किसी टी स्टॉल के ओनर ने उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोला सही बात उसको ये नहीं बोला रहेगा कि सर आज आपकी चाय और आपके दोस्तों की चाय हमारे दोस्त तो वो लोगों को लेके आएगा आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है क्वालिटी पर विश्वास है उसके जो दोस्त आएंगे एक बार आपकी चाय चख लेंगे तो वापस और कहीं जाएंगे क्या और लेकर आएंगे लेना चाहिए क्या लगता है आपको ये बात बोलने सही है सर जरूरी है जरूरी है अभी सर बाकी एक शोरूम है हमारा एसएस मोबाइल शोरूम तो सर मेंटेन मेंटेन करते हैं अगर उनका बर्थडे नहीं करना तो जेटो फोन लगाते हैं फिर किसी किसी मोबाइल आएंगे ये आइडिया देने के पैसे लूंगा सेशन के बाद मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप यहाँ से जाएं है ना तो संतुष्ट होके जाएं कि कुछ नया सीखा और रास्ता मिला मुझे कुछ लग रहा है मिल रहा है रास्ता मिल रहा है ढक्कन खुल रहा है खुल रहा है सुपर बताइए कब समय होगा आपके साथ फिर से एक बार बैठ के थोड़ा और डीप डिस्कशन करने का और मैं चाहूंगा कि मैं आपको फ्रेमवर्क दूं आगे बढ़ने का है ना एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एक फ्रेमवर्क और स्टेप्स के साथ स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर क्या करना है और सवाल भी करूंगा आपसे कि स्टेप पे क्यों अटक रहे हो पूरा काम हुआ या नहीं हुआ तो इस तरह की हेल्प लेना चाहेंगे अब पैसे लेंगे उसके लिए हम तो मेरे को प्रॉफिट मिलना है मैं पैसा दे प्रॉफिट सर प्रॉफिट की मैं गारंटी नहीं देता मेरे को गारंटी जब आप दोगे कि भाई मैं इंप्लीमेंट करूंगा मैं काम करूंगा तब मैं प्रॉफिट की गारंटी दूंगा और ये गाइडेंस के लिए अगर हम आपको चार्ज करेंगे तो देने के लिए तैयार है हाँ हाँ मैं हाँ सर हाँ ऐसे हाँ ठीक है तो बताइए आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब कल सर मैं आता हूँ दिल्ली आएंगे सीधे लीडरशिप फनल में अरे नहीं उसके पहले हमसे मुलाकात आप ले आए ना आप बुलाएंगे तो आएंगे आप सर बताइए कब आए आपके आप अपनी अपॉइंटमेंट में पहले पहले विवेक सर से मिलना चाहेंगे हाँ गंगा से पानी नहीं पीना सीधा गंगोत्री जाना है नहीं सर मैं पूछ रहा भाई आचार्य मुझे ये देवों में विश्वास नहीं करते सीधा देवों के देव महादेव अरे नहीं दोस्त मैं बस जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सोलापुर में आता हूँ या आपका आना होता है तो कब हम मिल सकते मैं एक बार आपसे फिर मुलाकात करना चाहता हूँ ठीक है सर आप बताओ आपके लिए क्या कब डेट और टाइम बोलो सर अभी हमारा सेटअप है 15 बजे तक बिजी है डेट और टाइम बोलो 30 जनवरी अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मीटिंग टाइम साढ़े ग्यारह अगली बार आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे पेपर पेन लेके आएंगे सारी चीजें नोट करेंगे काफी सारे आपको सॉल्यूशंस दूंगा रास्ते दूंगा फ्रेमवर्क्स दूंगा है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए वो साथ में रखेगा बड़ी खुशी हुई आपसे थैंक यू